वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम सुपर एक्साइटेड टू शो यू ऑल द रेडी आउटफिट्स ऑफ द पेंसिल्वेनियन क्लाइंट ये देखो सभी सारीज विद एक्स्ट्रा न्यू मटेरियल जो मैंने परचेस किया था विद बॉर्डर्स लेसेस सब वर्कशॉप पर मैं स्टिचिंग के लिए डालने जा रही हूँ आई होप आप सबने पार्ट वन वीडियो देखा होगा इसका जिसमें मैंने सारीज दिखाई थी क्लाइंट्स की और बताया था कि ये सारीज काफी कॉम्प्लिकेटेड थी और बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है ये प्रोजेक्ट बट येस फाइनली आई डिड इट एंड आई एम टेलिंग यू यू ऑल विल बी शॉक टू सी दी आउटफिट्स इतने अमेजिंग बने हैं ना सो so, चलो एक एक करके सारीज दिखाती हूँ फिर उनकी मैंने क्या प्लानिंग की मैंने क्या क्या परचेज किया उनके लिए एंड फाइनल रेडी आउटफिट सब शेयर करूंगी सो so, वीडियो पूरा जरूर देखना एंड लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो दिस इज द फर्स्ट सारी ये जॉर्जेट की साड़ी है जिसपे ऑल ओवर जरी का फ्लोरल वर्क हो रहा है ये दिखने में ऐसा थ्रेड वर्क टाइप लग रहा है लेकिन बहुत बारीक ऐसा जरी का पूरा काम है ये सो so, पल्लू पार्ट पूरा भरा है एम्ब्रॉयडरी से और जो साड़ी का स्कर्ट पोर्शन है उसमें हाफ में वर्क हो रहा है सो so, काफी प्रिटी साड़ी है ये और इसपे वर्क भी काफी अच्छा हो रहा है बस प्रॉब्लम ये आती है इस तरह की हाफ एन हाफ वर्क वाली स्टाइल की सारीज में की जब सेटिंग करते है आउटफिट की तो हमेशा ऐसे करना पड़ता है की एक मतलब जैसे मान लो कली भी बनानी तो एक कली भरी हुई रहती है फिर एक कली को खाली रखना पड़ता है या फिर पल्लू पोर्शन से कुछ और निकालना पड़ता है स्कर्ट पोर्शन से कुछ और तो बेसिकली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन रहते हैं सेटिंग करने में एक डिजाइन का का so, सो क्लाइंट को इस साड़ी से ये पेपलम टॉप एंड फ्लेरी स्कर्ट अच्छा लगा अब एक ही साड़ी से पेपलम टॉप एंड अच्छी फ्लेरी स्कर्ट तो पॉसिबल नहीं थी क्योंकि अगर अच्छा फ्लेयर वाला स्कर्ट बनाना है तो एटलीस्ट फाइव मीटर फैब्रिक तो चाहिए और पेप्लम टॉप के लिए एटलीस्ट टू पॉइंट फाइव टू थ्री मीटर फैब्रिक सो साड़ी से पेपलम टॉप

तो प्लेन ब्लैक जॉर्जेट फैब्रिक परचेज किया स्कर्ट के लिए और स्कर्ट के बॉटम में बॉर्डर भी लगाना था तो वो भी लिया और मुझे कॉलर एंड स्लीव्स के लिए भी एक छोटा बॉर्डर चाहिए था तो वो भी मैंने ढूंढा फिर मुझे स्कर्ट में बॉर्डर के नीचे एक लाइट गोल्ड शिमर फैब्रिक भी लगाना था कुछ इस रेफरेंस पिक जैसा मुझे लुक क्रिएट करना था स्कर्ट का तो एक सही शिमर फैब्रिक मैं सर्च करने में लगी हुई हूँ अब बताओ एक प्रॉपर शिमर फैब्रिक मिलना भी चैलेंज हो रहा था बट फाइनली मुझे एक मिल गया सो so, इस एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी से तो पेपलम टॉप बनाने का प्लान हुआ फिर जो नया जॉर्जेट फैब्रिक परचेज किया फाइव मीटर्स तो उससे स्कर्ट बनाएंगे फिर स्कर्ट के बॉटम में बॉर्डर सेट करेंगे और उसके नीचे गोल्ड शिमर फैब्रिक लगाएंगे एक बॉर्डर की तरह और स्लीवस में ये ट्राइंगल वाला बॉर्डर लगाएंगे मुझे स्लीवस के लिए एक पर्टिकुलर स्टाइल का बॉर्डर चाहिए था ऐसा मतलब जो दिखे की लाइन लाइन में कुछ एम्ब्रॉयडरी हो रही है बट वो मुझे रेक्टेंगे शेप में नहीं मिल रहा था मुझे वो ट्राइंगल शेप में मिला तो मैंने प्लान किया कि इस ट्राइंगल बॉर्डर को आपस में कनेक्ट करके एक रेक्टेंगल बॉर्डर जैसे सेट कर देंगे तो चलो नाउ लेट्स सी द फाइनल रेडी आउटफिट ये देखो पेपलम टॉप एंड स्कर्ट सेट बताओ कैसा लगा ये पेप्लम टॉप आपको क्या लग रहा है कि ये साड़ी से बनाया है कि नहीं कॉलर में बॉर्डर की सेटिंग नहीं हुई क्योंकि घुमाने के लिए सॉफ्ट बॉर्डर चाहिए तो साड़ी के फैब्रिक से ही कॉलर बना दिया और थोड़ा हाईलाइट करने के लिए पाइपिंग दे दी है फिर टॉप की वेस्ट फ्रंट स्लिट बॉटम साइड पर सब जगह पर बेज फैब्रिक की पाइपिंग दी है एक डिजाइन एलिमेंट के लिए एंड टॉप के फीचर्स को हाईलाइट करने के लिए अंदर लाइनिंग दी है स्लीव्स में ये देखो इस तरह ट्रायंगल बॉर्डर को सेट किया है एज अ कफ स्कर्ट के बॉटम में इस तरह बॉर्डर और शिमर फैब्रिक की सेटिंग की है तो एक बहुत अच्छा सा बॉर्डर बन गया है स्कर्ट के लिए बैक साइड पर फ्यूजिंग एंड फिनिशिंग किया है फिर लाइनिंग में भी फ्यूजिंग मटेरियल दिया है सो इससे स्कर्ट लाइट वेट एंड फ्लोई भी है और हल्का बाउंस भी आ गया है स्कर्ट में ये बैक साइड है टॉप का सो तो टॉप पूरा एम्ब्रॉयडर्ड बन गया है बहुत सुंदर लग रहा है सो so, बहुत एलिगेंट एंड प्रिटी लाइट वेट फेस्टिव आउटफिट बन गया है सो so, बताओ कैसा लगा ये फर्स्ट आउटफिट अभी आगे के देखते रहो शॉक पे शॉक जरूर लगेगा और पूरा वीडियो देखने के बाद बताना कि कौन सा आउटफिट बेस्ट बना है जिसने आपको शॉक में डाल दिया ओके नेक्स्ट इज दिस जॉर्जेट बनारसी साड़ी अरे माय गॉड बड़ी ही हेवी साड़ी है ये और भयंकर चैलेंजिंग क्योंकि एक तो इस पर कर्डाना और बीट्स का वर्क हो रहा है ये देखो पूरा स्कर्ट पोर्शन वर्क से भरा है और ये देखो इसका हाफ पोर्शन मतलब पल्लू पोर्शन यस yes, ये हाफ एंड हाफ पैटर्न की साड़ी भी है ये पल्लू पोर्शन क्रेप फैब्रिक का है और इस पर भी बीड्स और कटदाने का वर्क है ऑल ओवर और एक और बड़ी मुश्किल है इस पल्लू पार्ट में दो बड़ी बड़ी बूटियां भी बनी हुई हैं वर्क की उफ इस साड़ी ने तो चैलेंजेस देने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी मुझे तो so, इस साड़ी को देखकर मुझे थोड़ा झटका लगा बिकॉज एक तो हाफ एंड हाफ फिर पूरा बीट और कटदाने का वर्क हो रहा था एक बार तो ऐसा लगा कि इस साड़ी को रियूज करने के लिए मैं मना ही कर दू क्लाइंट को बट देन मैंने सोचा थोड़ा शांति से मैं सोचूंगी इस साड़ी के लिए क्या कर सकते हैं फिर बेस्ट ऑप्शन लगा की मैं दो अलग अलग आउटफिट्स बनाती हूँ बिकॉज कंबाइन करके बनाना पॉसिबल नहीं हो रहा था बट फाइनली कुछ आइडिया आया मुझे सोच चलो देखते हैं मैं क्या बनाने वाली हूँ इन दोनों पोर्शन से so, क्लाइंट को पेप्लम कुर्ती का आइडिया बहुत अच्छा लगा सो so, जो ब्लू पोर्शन था सारी का, उससे एक लाइट थी, थी क्योंकि इसमें बॉटम साइड में जरी बीट्स का पूरा वर्क हो रहा था तो कटिंग में थोड़ा सा टेंशन था फिर डिसाइड हुआ कि जो कुर्ती का फ्लेयर पार्ट है उसे ऐसे सेट करेंगे की ये वर्क बॉटम एरिया में सेट हो जाए अब इसमें एक और चैलेंजिंग सिचुएशन थी कि ये पल्लू पोर्शन था तो उसके हिसाब से इसमें दो बड़ी बड़ी बूटियां दे रखी थी तो उसकी सेटिंग कहा करें तो उन्हें इस तरह से सेट करने का फाइनल हुआ कि वो स्लीव्स में आ जाए मतलब दोनों स्लीव्स में ये एक एक बड़ी बूटी सेट हो जाए सो स्लीव एम्ब्रॉयडर्ड हो जाएगी और बचे हुए ब्लू पोर्शन से कुर्ती का योक एंड फ्लेयर पार्ट बन जाएगा और धोती के लिए साड़ी से मिलता जुलता ब्लू कलर का प्लेन फैब्रिक परचेज करने का प्लान हुआ चलो फाइनली कुछ तो सेटिंग कर दी है मैंने सो so, मैं एक शॉप पर जा रही हूँ धोती के लिए फैब्रिक लेने मुझे सेम साड़ी के जैसा ही ब्लू फैब्रिक चाहिए था बट अगेन इट बिकेम अ अच्छा। चैलेंज so, सो हल्का 19-20 टाइप मिल गया मुझे फैब्रिक। सो so, ये देखो फाइनल आउटफिट लुक एट दिस बताओ ये सारी से पेपलम कुर्ती कैसी बनी है मुझे ये धोती कुर्ती का आउटफिट सच में इतना नीट एंड गॉर्जियस लगा एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट की सेटिंग करना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था मुझे बट फाइनली हो गया एंड इट टर्न आउट टू बी एन एक्सेलेंट आउटफिट कॉलर पैटर्न दिया है इस कुर्ती का फ्रंट में सेल्फ में पाइपिंग दी है वेस्ट में भी पाइपिंग दी है स्लीव में जो बड़ी बड़ी बूटियों को सेट करने का मेरा आइडिया था वो एकदम धांसू निकला इस वजह से स्लीव्स का लुक बहुत अच्छा आ रहा है और ओवरऑल जो कुर्ती का लुक है वो बैलेंस्ड लग रहा है बॉटम साइड में ये एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर की सेटिंग भी अच्छी लग रही है वेस्ट में गैदर्स दिए हैं कोई न्यू बॉर्डर लाने की जरूरत नहीं पड़ी सारी के एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट की सेटिंग ही इनफ थी ये कुर्ती के बैक साइड है बैक साइड में भी नीचे की तरफ पूरा एम्ब्रॉयडर्ड पैटर्न आ गया है तो बहुत अच्छा सा बैलेंस्ड लुक बना है कुर्ती का काउल स्टाइल की धोती पैंट्स बनाई है सो so, टेल मी हाउ इज दिस गॉर्जियस एंड स्टाइलिश आउटफिट लुकिंग मतलब आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है गॉर्जियस एंड स्टाइलिश कमेंट्स में जरूर बताना इसको देख के शौक लगा कि नहीं लगा और अगर नहीं लगा तो नेक्स्ट आउटफिट जरूर देखना उसको देख कर तो पक्का शौक लगेगा ही लगेगा सो लेट्स सी वॉट वी कैन मेक फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ द हेवी वर्क साड़ी ये हाफ पोर्शन पर बीड्स वर्क था काफी हेवी साड़ी है आप सबको ऐसे ऊपर करके दिखा रही हूँ तो हाथ ही दर्द हो रहा है तो ये पोर्शन ऑलमोस्ट तीन मीटर था तो क्लाइंट को ये रेफरेंस पिक वाला आउटफिट अच्छा लगा सो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि इस पोर्शन से फ्लेयर्ड पैंट्स बनाएंगे स्कर्ट नहीं बनाएंगे और ऊपर हम टॉप बनाएंगे नया फैब्रिक लाकर पर अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इसमें वर्क होने की वजह से पैंट्स हम अम्ब्रेला पैटर्न में नहीं कट कर सकते थे बेसिकली अगर कोई मोटा मोटा सा वर्क होता है तो उसमें इस तरह का पैटर्न सोचना पड़ता है जिसमें कम से कम कटिंग करनी पड़े तो इस पैंट्स का फ्लेयर इतना नहीं निकल पा रहा था तो रेफरेंस पिक से मुझे आइडिया आया कि एक प्लेन नेट इसके ऊपर सेट कर सकते हैं तो उसे ज्यादा फ्लेयर में बना सकते हैं तो वो ऊपर से लुक बहुत अच्छा आएगा लाइक ऊपर नेट आएगा ट्रांजी लुक और अंदर फिर ये जो साड़ी का दिखेगा तो कम फ्लेयर भी चलेगा तो ओवरऑल जो फ्लेयर्ड पैंट्स का लुक है वो बहुत ही ऑसम लगेगा तो लुक भी काफी यूनिक स्टाइलिश हो जाएगा और अच्छी फ्लेरी पैंट्स भी दिखेगी सो so, एक नया प्लेन मरून कलर का नेट फैब्रिक परचेज करने का प्लान हुआ और रेडी नहीं मिला तो फिर डाई करवाना पड़ेगा एंड टॉप प्लेन मरून सिल्क फैब्रिक का बनाने का प्लान किया सो so, इस टॉप को एक वेस्टर्न स्टाइल का टॉप जैसा लुक देना था तो फ्रंट में शो जिपर देने का प्लान हुआ सो so, शॉप पर मैं टॉप के लिए सारी से मैच होता हुआ कोई सिल्क फैब्रिक देख रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा रॉ सिल्क फैब्रिक मिला और ये सॉफ्ट रॉ सिल्क था तो काफी अच्छा फैब्रिक मिल गया मुझे पैंट्स के लिए सेम सारी के कलर का नेट फैब्रिक मिलना मुश्किल हो रहा था तो डाई करवाया सो so, ये देखो मैं दो दिन के बाद आई हूँ शॉप पर और ये रहा

कितना स्टनिंग इंडो वेस्टर्न आउटफिट बना है जब मैंने इसको देखा तो मुझे खुद को यकीन नहीं हुआ कि ये मैंने इतनी टफ साड़ी से बना दिया है बहुत चैलेंजिंग था ये वेस्टर्न स्टाइल का हाई कॉलर पैटर्न का मैंने टॉप बनाया है फ्रंट में शो जिपर दी है ताकि एक डिज़ाइन एलिमेंट जैसा लगे और स्टाइलिश भी लगे ये फ्लैट पैंट्स है जो साड़ी से बनाई है मेरी मैनिक्विन को पैंट्स मैं पहना नहीं पाती हूँ तो ऊपर से डोरी बांध मैंने मैनिक्विन पर कैसे तो सेटिंग की है सो लुक एट दिस फ्लेयर pants अगर किसी को स्कर्ट लग रही है तो ये देखो ये स्कर्ट नहीं है ये पैंट्स है ये अंदर सारी से फ्लेयड पैंट्स बनाई है वर्क वाला जो पोर्शन है सारी का वो बॉटम साइड में सेट हो गया है और ऊपर प्लेन नेट सेट किया है फ्लेयर्ड पैटर्न में और नेट के बॉटम साइड में प्लेन क्रेप सेटन फैब्रिक की बॉर्डर पट्टी दी है अंदर लाइनिंग भी दी है पर उसमें कुछ फ्यूजिंग मटेरियल नहीं लगाया है क्योंकि ऑलरेडी थ्री लेयर्स हो गए हैं पैंट्स के तो इनफ बाउंस आ गया है सो बताओ इस आउटफिट ने आपको शॉक किया कि नहीं किया कमेंट्स में जरूर बताना है ये। जितने भी आउटफिट्स मैंने क्लाइंट के लिए बनाए हैं उन सब में से ये तो मेरा फेवरेट है आप पूरा वीडियो देखना और मुझे जरूर बताना कमेंट्स में कि आपको सबसे अच्छा आउटफिट कौन सा लगा आपका कौन सा फेवरेट आउटफिट है इन सब में से ओके नेक्स्ट इज दिस चेक्स चेक्स पैटर्न पैटर्न सिल्क साड़ी ऑल ओवर इसमें का था और पल्लू ऐसा था इस पर बहुत ब्यूटिफुल पिकऑक के मोटिव थे और चारों तरफ ऐसा गोल्ड स्कैलॉप बॉर्डर पैटर्न था फेब्रिक इसका थोड़ा सा थिक था सो अगेन दिस वॉज वेरी चैलेंजिंग टू थिंक क्या बनाया जाए इस साड़ी से कि उसमें चेक्स अच्छे लगे बिकॉज चेक्स जो पैटर्न था वो छोटा नहीं था थोडे बड़े बड़े इंडियन एलिमेंट भी था को. So, इस तरह कुर्ती बना सकते हैं या फिर बॉक्स प्लीटेड इंडो वेस्टर्न ड्रेस पर मैंने थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश की तो मुझे लगा योग में चेक से थोड़ा ब्रॉड लुक आ जाएगा आई I मीन mean, छोटे चेक्स होते तो कोई बात नहीं बट बड़े चेक्स में थोड़ा ओवर द टॉप लगता तो फिर

स्लीव्स निकालने का प्लान किया ताकि स्लीव्स में पिकॉक के मोटिव्स दिखें तो वो बहुत एक यूनिक स्टेटमेंट स्लीव्स लगती सो so, चलो फाइनल रेडी आउटफिट देखते हैं हियर इट इज बहुत ही अच्छी बॉक्स प्लीटेड कुर्ती बनी है काफ़ी यूनिक लुक आ रहा है और चेक्स को सिर्फ फ्लेयर पार्ट में यूज करने से एक बैलेंस्ड लुक भी लग रहा है मतलब अगर योग पोर्शन में हम चेक्स यूज करते तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा ब्रॉड सा लुक आ जाता या बहुत हेवी सा लुक आता सो so, मैंने प्लेन ब्लैक फैब्रिक से योग बनाया है नेक लाइन क्लोज राउंड पैटर्न की दी है और फ्रंट में सेम ब्लैक फैब्रिक के पोटली बटन्स दिए हैं स्लीव्स सारी का जो पिकॉक पल्लू पार्ट था उससे बनाई है तो बहुत यूनिक स्टेटमेंट स्लीव्स बन गई है सारी का वाला जो बॉर्डर है स्लीव्स के बॉटम एंड में सेट कर दिया है बाकी पूरी चेक साड़ी से कुर्ती का फ्लेयर पार्ट सेट किया है बॉक्स प्लीटेड स्टाइल में साड़ी की थिकनेस अप्रोप्रिएट थी बॉक्स प्लीट्स बनाने के लिए तो अच्छे से प्लीट्स की सेटिंग हो गई तो लुक बहुत अच्छा आ रहा है पूरी साड़ी यूज की तो फ्लेयर भी अच्छा निकल गया है साड़ी के स्कैलअप वाले बॉर्डर को डबल करके कुर्ती के बॉटम साइड में सेट कर दिया है बैक साइड में फिनिशिंग दी है लाइनिंग दी है और उसमें फ्यूजिंग लगाया है बाउंस लाने के लिए साइड में कंसील चेन दी है कुर्ती का जो बैक साइड है उसमें हुक एंड आई दिया है क्यूँकी स्टाइल की नेक लाइन है क्लाइंट की साइज मेरी मैनेकेंट से कम थी तो हुक बंद नहीं हुआ बट कोई नहीं आप लोगों को मुझे बैक पोर्शन दिखाना था सो so, बताओ कैसा लगा इस चेक साड़ी से ये स्टाइलिश कुर्ती का आउटफिट नेक्स्ट इज द स्टोन वर्क सिल्क साड़ी ये तो मेरी सोच से परे ही थी क्या क्या चैलेंजेस नहीं थे इस साड़ी में एक तो इस साड़ी में स्टोन एंड डायम वर्क था ऑल ओवर बहुत ज्यादा भरा हुआ तो नहीं था थोड़ा स्कैटर्ड था पर कटिंग के टाइम ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो ये है पल्लू जो रेस्ट ऑफ द साड़ी से अलग है फिर बाकी सारी इस तरह पैनल पैटर्न में थी और बोल्ड बोल्ड फ्लावर्स ट्राइंगल्स बोल्ड लाइंस वाला पैटर्न था और उन पर भी स्टोन वर्क था देन स्टार्टिंग में वर्टिकल बोल्ड लाइन्स थी सो so, इस साड़ी में काफी वेरिएशन थे डिजाइन में ये बॉर्डर है साड़ी का जिस पर स्टोन वर्क है ऊपर से साड़ी थिक भी थी उफ दिस साड़ी सो सारीटेड कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बनाया जाए इससे क्योंकि इसमें जो डिजाइन पैटर्न बने थे वो काफी बोल्ड थे ऊपर से स्टोन वर्क भी था सो काफी करने के बाद मैंने कुछ रेफरेंसेज दिए क्लाइंट को सो लेट सी द डिजाइन सेटिंग फाइनली फ्रंट स्लिट अनारकली कुर्ती और स्कर्ट बनाने का फाइनल किया तो पूरी साड़ी से तो कुर्ती सेट करेंगे और स्कर्ट न्यू फैब्रिक लाकर बनाएंगे ओके जो तो फ्लेयर पार्ट है कुर्ती का वो साड़ी के पैनल वाले पोर्शन से सेट करने का डिसाइड किया कलियों में एक्चुअली साड़ी में ऑलरेडी पैनल्स में पैटर्न था तो उससे आइडिया आया कि कली में कुर्ती सेट कर सकते हैं और बीच बीच में स्टोन वर्क भी नहीं था तो कटिंग में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इस साड़ी के पल्लू पोर्शन से योग सेट करने का डिसाइड हुआ और ये देखो इस साड़ी में कुछ स्ट्राइप्स वाला पोर्शन है स्टार्टिंग में तो उससे स्लीव्स सेट करने का प्लान हुआ सो ये सब प्लान हुआ कुर्ती के लिए स्कर्ट तो न्यू सिल्क फैब्रिक लाकर बनाने का प्लान किया सेम साड़ी के जैसा ब्लू कलर सिल्क फैब्रिक का डिसाइड हुआ और साड़ी के बॉटम एरिया में साड़ी का बॉर्डर लगा सकते हैं फिर इस बॉर्डर को कुर्ती के बॉटम में नहीं लगाएंगे वैसे भी कुर्ती तो फुल प्रिंट एंड वर्क से भरी थी तो उसमें बॉर्डर अवॉइड कर सकते थे और स्कर्ट में सारी का बॉर्डर लगाने से बॉर्डर का खर्चा बच गया सो so, देखा मैंने बोला था ना कितना चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है ये सो so, एक शॉप से मैंने स्कर्ट के लिए एक अच्छा सा सिल्क फैब्रिक लिया ये मैंने फाइव मीटर्स लिया सेम कुर्ती के जैसा ब्लू शेड लिया सो so, फ्रंट स्लिट अनारकली कुर्ती तो पूरी सारी यूज करके बनाएंगे और स्कर्ट इस नए ब्लू सिल्क फैब्रिक से फिर वर्कशॉप पे दिया इसको स्टिचिंग के लिए बेचारे मेरे कारीगर्स की मेहनत की तो मुझे तारीफ करनी पड़ेगी सो नाउ लेट्स दिस रेडी आउटफिट तो ये रहा आउटफिट काफ़ी रिच एंड गॉर्जियस आउटफिट बना है बहुत टफ सारी थी बट येस माई डिज़ाइन प्लानिंग वॉज गुड आई गेस सो सो फाइनल आउटफिट बहुत ज़्यादा अच्छा बना है बहुत स्टनिंग लग रहा है ये देखो साड़ी के पल्लू पोर्शन से कुर्ती का योग बनाया है हाई कॉलर पैटर्न रखा है और फ्रंट में पाइपिंग दी है फ्रंट साइड में हुक दिया है और साइड में कंसील चेन भी दी है ताकि कुर्ती पहनने में कोई प्रॉब्लम ना हो वेस्ट में फ्रंट स्लिट में भी पाइपिंग दी है एक फिनिश लुक के लिए फ्लेयर पार्ट को जैसे मैंने पहले समझाया वैसे कली स्टाइल में सेट किया है बॉटम साइड में भी पाइपिंग दी है और फिनिशिंग दी है कुर्ती में लाइनिंग भी अटैच की है स्लीव्स सारी के स्टार्टिंग में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला पैटर्न था उससे सेट की है सो बहुत रिच गॉर्डजस्ट कुर्ती बनी है स्कर्ट नए सिल्क फैब्रिक से बनाई है अम्बरेला पैटर्न में और बॉटम में साड़ी के बॉर्डर को सेट किया है लाइनिंग भी दी है स्कर्ट में और फ्यूजिंग लगाया है हल्के बाउंस के लिए बैक साइड ऐसा है कुर्ती का बैक योग के लिए पल्लू पार्ट कम पड़ गया था तो बैक साइड में साड़ी का दूसरा पार्ट सेट किया है फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज वैसे भी ओवरऑल जो कुर्ती है वो मल्टीपल पैटर्न्स की है तो ये बहुत अच्छे से सेटिंग से हुई है सो so, ये देखो फाइनल लुक इस फ्रंट स्लिट कुर्ती एंड स्कर्ट का बहुत सुंदर फेस्टिवल वेडिंग बना है कमेंट्स में मुझे इस कुर्ती के लिए जरूर बताना कि क्या मैंने इस चैलेंजिंग साड़ी के साथ जस्टिस किया कि नहीं क्या आपको ये आउटफिट ऐसा लग रहा है देख कर की ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड साड़ी से मैंने बनाया है ओके लेट्स सी द नेक्स्ट साड़ी इस पर ऑल ओवर सिमिट्री में ये लीफ पैटर्न बना हुआ है और इस पर वर्क भी नहीं था तो इसमें कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड जैसा कुछ भी नहीं था बस ये साड़ी थोड़ी थिक थी तो वो तो कोई बात नहीं फैब्रिक के अकॉर्डिंग हम पैटर्न्स डिसाइड कर सकते हैं एंड फिर वो पल्लू पोर्शन है जो हमें यूज़ नहीं आएगा बिकॉज उसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही ऑड है साड़ी के साथ एंड देन स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक प्लेन पोर्शन है तो वो देखेंगे अगर यूज करेंगे कहीं पर तो उसे करेंगे वरना जरूरत नहीं है तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली जो लीफ वाला पार्ट है वो सवा चार मीटर का पार्ट है सो so, इस साड़ी से मैंने क्लाइंट को कुछ डिजाइन ऑप्शन दिए सो so, ये वाली डिजाइन फाइनल की तो पूरी साड़ी यूज करके मतलब जो सवा चार मीटर का लीफ पोर्शन है साड़ी का उससे स्कर्ट की जगह फ्लेरी पैटर्न का प्लाजो बनाने का डिसाइड हुआ और सारी के इस कॉपरिश बॉर्डर को प्लाजो के बॉटम में सेट कर देंगे ए लाइन पैटर्न की कुर्ती के लिए नया सिल्क फैब्रिक लाना पड़ेगा सेम साड़ी के जैसा ब्लू कलर का फैब्रिक चाहिए और क्लाइंट को दुपट्टा भी चाहिए था तो दुपट्टे के लिए भी नया नेट का फैब्रिक लाना पड़ेगा अच्छा अब कुर्ती बिल्कुल सॉलिड प्लेन हो जाएगी थोड़ा सा डिज़ाइन एलिमेंट के लिए प्लान किया कि कोई पतली सी लेस नेकलाइन एंड स्लीव्स में लगा सकते हैं और दुपट्टे में कोई स्कैलॉप स्टाइल का बॉर्डर अच्छा लगेगा तो फैब्रिक शॉप पर मैंने कुर्ती के लिए फ़ैब्रिक सर्च किया मैं सोच रही थी कि प्लेन सॉलिड ब्लू फैब्रिक लूँ या कोई बनारसी बूटी वाला फैब्रिक लूँ कुर्ती के लिए बट देन मैंने सॉलिड ब्लू सिल्क फैब्रिक ही लिया फिर क्लाइंट को इसके साथ दुपट्टा भी चाहिए था तो वो डाई करवाना पड़ेगा तो उसके लिए व्हाइट कलर का फैब्रिक सर्च कर रही थी मैं तो एक शॉप पर ये नेट का छोटी छोटी जरी बूटी वाला फैब्रिक लिया और उसको डाई करने के लिए दिया ब्लू शेड में फिर बॉर्डर चाहिए था कुर्तियां दुपट्टे के लिए तो इस बढ़िया सी सब्जी मंडी के मजे लेते हुए जाना पड़ता है हमेशा मुझे जो मेरी रेगुलर लेस शॉप है उसके वहाँ सो so, लेट्स सी ऑल द मटेरियल फॉर दिस आउटफिट पूरी सारी यूज करके तो फ्लैट प्लाजो बनाएंगे कुर्ती के लिए ये सॉलिड ब्लू सिल्क फैब्रिक ले लिया है ये दुपट्टा डाई होकर आ गया है नेट का ये छोटी जरी की लेस है कुर्ती के नेकलाइन एंड स्लीव्स पर लगाने के लिए और ये बड़ा स्कैलो बॉर्डर लिया है दुपट्टे के लिए सो नाउ लेट्स सी द फाइनल रेडी आउटफिट ये देखो कुर्ती एंड प्लाजो क्लाइंट की साइज मेरी मैनिकविन से कम है तो ये कुर्ती मेरी मैनिकविन को नहीं आई और पैंट्स में पहना नहीं सकती मेरी मैनिक्विन को तो दोनों किसी तरह पिन से अटकाकर मैंने सेट कर रखे हैं सो so, छोटी जरी लेस नेकलाइन पर लगा दी है और स्लीव्स पर भी बाकी पूरी कुर्ती सॉलिड ऐसे ही रखी है लाइनिंग दी है कुर्ती के अंदर बेसिकली ओवर द टॉप फेस्टिव लुक क्रिएट नहीं करना था थोड़ा सा क्लासी ही रखना था सारी से अम्ब्रेला पैटर्न में प्लाजो बना दिए तो अच्छे फ्लैरी प्लाजो बन गए हैं अंदर लाइनिंग दी है सारी के बॉर्डर को प्लाजो के बॉटम साइड में सेट कर दिया है सो बहुत शीक क्लासी फेस्टिव आउटफिट बन गया है एंड ये रहा फाइनल लुक विद दुपट्टा बहुत सुंदर सेट बना है फेस्टिवल्स एंड एन... एज अ वेडिंग गेस्ट के लिए बहुत ही अच्छा आउटफिट बन गया है स्कैलो बॉर्डर से अच्छा सा फेस्टिव डिजाइनर एलिमेंट एड हो गया है और ओवरऑल ओवर द टॉप आउटफिट भी नहीं लग रहा है सो लेट मी नो कैसा लगा आपको ये आउटफिट ओके क्लाइंट के लिए मैंने एक आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच भी बनाया था सो so, क्लाइंट को इस तरह का आइवरी कलर का लहंगा चोली सेट बनवाना था तो उसके लिए मुझे सब सोर्स करना था फैब्रिक बॉर्डर सब तो एक शॉप पर गई और वहाँ मैंने फैब्रिक सर्च किया तो इस शॉप से तो मुझे ब्लाउज के लिए आइवरी कलर का जरी एम्ब्रॉयडर्ड सिल्क फैब्रिक मिल गया फिर मैं दूसरी शॉप पर गई और वहाँ फिर मैंने लहंगे और दुपट्टे के लिए फैब्रिक सर्च किया तो लहंगे के लिए मुझे बहुत सुंदर सा बनारसी फैब्रिक मिल गया और उसके साथ मैंने सेटिन क्रेप की आइवरी कलर की लाइनिंग भी ली दुपट्टे के लिए मैं थर्ड शॉप पर गई और वहाँ से मैंने दुपट्टा लिया और फिर बॉर्डर्स भी लिए सो so, देखो ये रहे तीनों फैब्रिक्स ये ब्लाउज का एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक है ये लहंगे के लिए बनारसी फैब्रिक और ये दुपट्टे के लिए चुनौन का एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक लिया और ये एवरी लाइनिंग लहंगे के लिए ली बेसिकली जो ब्लाउज का फैब्रिक था वो पर्ल वाइट में था और जो लहंगे का फैब्रिक हल्का सा ऑफ वाइट शेड में था तो इसीलिए लाइनिंग पर्ल वाइट में ली ताकि पूरा आउटफिट बनने के बाद सब एक शेड के लगें ये दुपट्टे के लिए लाइट गोल्ड जरी बॉर्डर भी लिया मैंने और ये मोती की लेस है ब्लाउज की नेकलाइन में स्लीव्स पर लगाने के लिए सो देखो ये रहा रेडी आउटफिट ये ब्लाउज और लहंगा है क्लाइंट को इस आउटफिट को इस रेफरेंस पिक जैसा रिच एंड क्लासी ही रखना था इसीलिए लहंगे में या ब्लाउज में बहुत बॉर्डर्स लेसेस ये सब नहीं लगाए हैं क्लाइंट को ब्लाउज की थ्री फोर्थ स्लीव्स चाहिए थी और बोटनेक चाहिए था सो उसके हिसाब से ब्लाउज बनाया है ब्लाउज मैनिकविन को फिट नहीं हुआ तो मैंने ऊपर से पिन करके उसे अटका रखा है इसलिए आपको बैक पोर्शन नज़र आएगा क्योंकि क्लाइंट की साइज मेरे मैनिकविन से छोटी थी प्रिंसेस कट में पैडेड ब्लाउज बनाया है मोती की लेस सिर्फ स्लीव्स में ही दी है ब्लाउज में वैसे ही एम्ब्रॉयडरी थी तो ज़्यादा कुछ और लगाने की जरूरत नहीं थी लहंगा अम्ब्रेला पैटर्न में बनाया है ये सैटिन क्रेप की लाइनिंग है उसमें फ्यूजिंग लगाई है फिर कॉटन की लाइनिंग है और उसमें भी फ्यूजिंग लगाया है सो so, लहंगे में बहुत अच्छा सा बाउंस आ गया है क्लाइंट को कैन कैन नहीं चाहिए था इसीलिए डबल फ्यूजिंग लगाई है सो so, ये देखो फाइनल लुक विद दुपट्टा बहुत ही गोर्जस लहंगा चोली सेट बना है और आइवरी लहंगा चोली या सारीज ये सब तो अभी काफी ट्रेंड में भी चल रहे हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं क्राउड में अलग से स्टैंड आउट होते हैं सो फोक्स ऑल फॉर टुडे होप आज के वीडियो ने आप सबको शॉक किया होगा डू लेट मी नो इन कॉमेंट आपका फेवरेट आउटफिट कौन सा है कैसे लगे आप सबको ये ओल्ड सारीज के ट्रांसफॉर्मेशन डू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू माई चेफ इन यू एन सी सून इन माइ नेक्स्ट